नवरात्रि का पर्व शुरू होते ही देश भर में आस्था और भक्ति का माहौल देखते ही बन रहा है। मंदिरों में भक्तजन अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा अर्चना कर माता की उपासना कर रहे हैं। दिल्ली के तमाम मंदिरों में नवरात्रों के पर्व पर भक्तों की भीड़ साफ दिखाई दे रही है। इसके विपरीत दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 स्थित काली माता मंदिर में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर से भी लोग अपनी आस्था के मुताबिक दर्शन करने आते हैं। वैसे तो इस मंदिर में हमेशा भक्तों के आने का सिलसिला जारी रहता है और विशेष रूप से शनिवार को यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखने को मिलती है, लेकिन नवरात्रों में तो यहाँ कुछ और ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। नवरात्र के पावन अवसर पर मंदिर में विशेष साज सजावट भी देखने को मिल रही है। मंदिरों को फूलों के अलावा गुब्बारों से भी सजाया गया है। ये मंदिर हमारा काफ़ी पुराना मंदिर है, यहाँ भक्तों की बहुत भीड़ लगती है। प्राचीन काल से ही ये मंदिर, यहाँ भक्त जो अपने श्रद्धा के साथ आते हैं, जो मन्नत मांगते हैं उसका मन्नत पूरा होता है। विशेषतः नवरात्रों में यहाँ बड़ी दूर दूर से भक्त आते हैं, पूजा अर्चना की जाती है और जो जिस उद्देश्य से आता है, जिस भावना से आता है, उसका श्रद्धा यहाँ अवश्य पूरी होती है। भक्तों के लिए यहाँ बहुत सुरक्षा है। कोरोना काल में भी हमारा यहाँ पर बहुत सुरक्षा था, अभी भी यहाँ पूरा सुरक्षा का व्यवस्था दिया गया है। पुलिस के द्वारा भी पर्सनल गार्ड भी रखते हैं और मंदिर के प्रबंधक कमेटी सारा इंतजाम क्या रहता है, यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रकार का कठिनाई ना हो, कोई दिक्कत ना हो, और इसलिए भगत का यहाँ लाइन लगी रहती है, टाटा लगी रहती है। गौरतलब है कि ये मंदिर करीब 6 दशक पुराना है, जिसकी गिनती प्रमुख प्राचीन मंदिरों में की जाती है। इस मंदिर में सभी श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामना लेकर भी आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में माता के चरणों में जो भी भक्त पूर्ण आस्था के साथ अपनी हाजिरी लगाता है, उनकी सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में काली माता का आशीर्वाद स्वरूप स्वयं काली कलकत्ते वाली विराजमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह इस प्राचीन मंदिर की विशेष मान्यता यही है कि यहाँ हाजिरी लगाने मात्र से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। अस्पताल का मैं रहता हूँ दिल्ली में, और मैं यहाँ रोज़ दर्शन करता हूँ माता जी के। मेरा ऑफिस यहीं पर है, यू बैंक जो है हमारा, मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से रोज़ दर्शन कर जाता हूँ यहाँ से माता जी के। तो ये नवरात्र के दिन चल रहे हैं, माता सबकी रक्षा करे। नवरात्र में 9 दिन 9 देवियों की पूजा करी जाती है और दर्शन करने आते हैं माता के, और मांगने आते हैं, दर्शन करते हैं 9 देवियों के, 9 रुद्र। उल्लेखनीय है कि यह काली माता मंदिर बाहरी रिंग रोड स्थित रोहिणी सेक्टर 3 में स्थापित है। यहाँ भक्तों की सुविधा के मद्देनजर प्रवेश द्वार से लेकर उनकी सुरक्षा के मद्देनजर भी इंतजाम किए गए हैं, ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस ना हो। आपको बता दें कि यहाँ भक्तों की मान्यता पूरी होने पर सभी भक्त अपनी योग्यता अनुसार भंडारे का भी आयोजन करते हैं और अपनी खुशियां प्रसाद के रूप में लोगों को भी वितरित करते हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।